हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, पेटीएम ऐप जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर एप्लीकेशन है मनी ट्रांसफर एंड यूटिलिटीज के लिए, एंड आप में से काफी सारे लोग इसी पेटीएम ऐप को इस्तेमाल भी करते हैं। एंड दोस्तों, कंपनी की तरफ से देखेंगे इसी पेटीएम एक लेटेस्ट न्यू अपडेट को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको लेटेस्ट न्यू यूजर इंटरफेस मतलब कि फ्रेश न्यू यूआई देखने को मिल जाता है काफी सारे एक्साइटिंग फीचर्स के साथ। मनी ट्रांसफर के लिए देखेंगे काफी सारे लेटेस्ट न्यू फीचर इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि होम पेज पे देखेंगे आपको विजेट्स ऐड किया गया है, जिसमें देखेंगे इजीली आप सीधा बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने किसी भी बैंक में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, आपको जो एप्लीकेशन है काफी स्मूथ और एंड फास्टर हो चुका है। सो पैसा ट्रांसफर करने के लिए देखेंगे इस लेटेस्ट अपडेट के बाद आपको कुछ ज्यादा पर झंझट करने की जरूरत नहीं है, काफी लेटेस्ट में फीचर ऐड किया गया। सो फ्रेंड्स, कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए, क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल चुका है इस पेटीएम के न्यू अपडेट के बाद, आज के इस वीडियो में सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पेटीएम की तरफ से देखेंगे काफ़ी शानदार अपडेट लॉन्च किया गया है, जिसमें देखेंगे पेटीएम आपको लेटेस्ट न्यू फ्रेश यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाते हैं। एंड पहले से भी देखेंगे एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ हो चुका है। होम पेज पे देखेंगे आपको कैटेगराइज देखेंगे आपको विजेट्स ऐड किए गए, एंड काफी सारे फीचर्स आप देखेंगे इस अपडेट के बाद ऐड किए गए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना पेटीएम ऐप को अपडेट करना है तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो पेटीएम को अपडेट करने के बाद आप देखेंगे आपको जो होम पेज है आपको लेटेस्ट न्यू यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, जो कि काफी फ्रेश न्यू यूजर इंटरफेस है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे, नीचे के साइड में काफी सारे यहाँ पर विजेट्स मतलब कि आपको जो कैटेगराइज फैसिलिटीज है, फंक्शंस है, फीचर्स है, उनको आप देखेंगे यहाँ पर चेंजेस किए गए। एंड दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो कैटेगराइज में आपको सारे सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है सेंड मनी। सो फ्रेंड्स, सेंड मनी के बारे में बात करेंगे तो काफी सारी फैसिलिटीज आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके लिए आपको किसी भी टाइप से केवाईसी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा का सीधा अपने बैंक अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो सेंड मनी की कैटेगरी में देखेंगे सबसे पहला है स्कैन एंड पे। तो इस फीचर के मदद से आप सामने वाली बंदी का क्यूआर कोड स्कैन करके उसको पैसे ट्रांसफर करते हैं। सो इस फीचर्स के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन उसके आगे देखेंगे आपको टू मोबाइल की कैटेगरी, जिसके जरिए देखेंगे आप सीधा अपने बैंक अकाउंट सामने वाली बंदी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो टू मोबाइल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। एंड दोस्तों टू मोबाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने पर कुछ मोबाइल नंबर सेव किया है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक नंबर टाइप कर लेता हूं। एंड नंबर टाइप करने के बाद उस नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें देखेंगे काफी शानदार फीचर्स है, जैसे कि आप उस नंबर के साथ चैटिंग कर सकते हैं, मतलब कि मैसेज सेंड कर सकते हैं, पेमेंट के रिलेटेड उसके बाद फोटोज उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आप आसानी से यहां पे सेंड कर सकते हैं। सो चैटिंग का भी फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साइड में देखेंगे आपको मैसेज के साथ साथ आपको पे का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। एंड पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको सिंपली आपको अमाउंट डालना है, मतलब कि जितना आपको पे करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 रुपये पर डाल देता हूं। एंड अमाउंट डालने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे मैंने बैंक को सिलेक्ट किया है, मतलब कि सीधा पैसा बैंक से ट्रांसफर होने वाला है। सो जो भी अपना यूपीआई का पिन है, पिन आपको डालना है एंड आपको ओके करना है। तो इस इजी मेथड से देखेंगे आप सीधा अपने बैंक अकाउंट से आगे किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई आईडी या फिर डायरेक्टली बैंक में। एंड इसके लिए आपको किसी भी टाइप का केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बैंक अकाउंट है आपको लिंक करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे जो कि है टू सेल्फ, मतलब अगर आपको खुद के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो आप अपने पेटीएम से भी देखेंगे अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी इजी मेथड है। इसके आगे वाला ऑप्शन देखेंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब कि दोस्तों अगर आपको किसी भी यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो उसमें देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि एंटर बैंक अकाउंट, मतलब अगर आपको सामने वाली बंदी का बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना है। एंड किसी भी टाइप का बैंक हो, जैसे कि SBI का बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सिंपल आपको बैंक की डिटेल डालना है एंड अपने खुद के बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। काफी इजी मेथड है। उसके आगे वाला ऑप्शन देखेंगे जैसे कि यूपीआई आईडी, एंड जैसे कि आगे वाली बंदी का अगर यूपीआई आईडी डालेंगे तो यूपीआई आईडी में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, भी अपने खुद के बैंक अकाउंट से जो कि पेटीएम में लिंक किया है। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका डेमो मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले कैटेगरी के बारे में जो कि है माय पेटीएम। सो माय पेटीएम में देखेंगे बैलेंस, उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ चेक करके देख सकते हैं। सो अकाउंट बैलेंस एंड हिस्ट्री में आने के बाद देखेंगे पेटीएम का जो भी बैलेंस है, मतलब कि वॉलेट में कितना बैलेंस है, गिफ्ट वाउचर में कितना बैलेंस है, वो चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो भी चेक करके देख सकते हैं, मतलब कि जो भी बैंक आपने लिंक किया है उसका भी यहाँ पर बैंक में आप बैलेंस भी चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में आपको पेमेंट हिस्ट्री, मतलब आपने कितने लोगों को पैसे ट्रांसफर किया है एंड कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, इसकी सारी
डिटेल इन्फॉर्मेशन आप आसानी से पेमेंट हिस्ट्री में चेक करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला कैटेगरी, जैसे कि पेटीएम बैंक है, मतलब अगर को पेटीएम में अकाउंट ओपन करना है तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद पेटीएम वैलेट, मतलब वैलेट में कितना बैलेंस है यहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं। एंड ऑल सर्विस, उसके आगे देखेंगे पेटीएम की जितने सारी सर्विस है आप आसानी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट अमेजिंग चेंजेस, मतलब की फीचर्स के बारे में, जो की आपको लेफ्ट साइड में, मतलब की साइड बार में आपका यूपीआई पिन या फिर जो भी क्यूआर कोड है आपको वन टैप में मिल जाता है। इससे पहले आपको प्रोफाइल में जाना पड़ता था, एंड प्रोफाइल में जाने के बाद जो भी अपना यूपीआई का आईडी है या फिर जो भी क्यूआर कोड है आप वहां से कॉपी करते थे या फिर शेयर करते थे। लेकिन दोस्तों साइड बार ओपन करने के बाद ही आपको ऊपर के साइड में आपको अपना यूपीआई का आईडी या फिर जो भी क्यूआर कोड है आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल साइड बार ओपन करने के बाद आप अपना जो भी यूपीआई का आईडी यहां से कॉपी कर सकते हैं। नीचे के साइड में जो भी क्यूआर कोड है आप सिंपली अपने यूपीआई पिन या फिर जो भी क्यूआर कोड है उसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड को, तो काफी इजी मेथड आपको मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, जो कि आपको अप फ्रंट पे होम पेज में मिल जाते हैं, जो कि है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। एंड रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स में देखें आपको काफी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, गैस सिलेंडर बुकिंग है, रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड। उसके बाद व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, सो व्यू मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे और भी कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि आपको पे क्रेडिट कार्ड बिल है, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके बाद डीटीएच रिचार्ज है, एलआईसी इंश्योरेंस है, पे लोन्स है, एटीएम प्रीपेड, मेट्रो रिचार्ज, काफी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, मतलब की यूटिलिटीज मिल जाती है। एंड नीचे के साइड में देखेंगे अदर सर्विसेज में काफी सारे को सर्विसेज यहाँ पे अपफ्रंट आपको होम पेज पे ऐड किया गया है। एंड दोस्तों इसमें आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर मिल जाता है हर महीने का, मतलब लास्ट टाइम अगर आपने कोई बिल पेमेंट किया है तो नेक्स्ट महीने में देखेंगे आपको उस टाइम में उस डेट में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा बिल पेमेंट के लिए या फिर रिचार्ज करने के लिए। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड सर्विसेज मिल जाती है, जिनमें देखेंगे पेटीएम प्रीपेड है, उसके बाद पे लोन्स है, फ्री क्रेडिट स्कोर, अगर कोई स्कोर देखना तो स्कोर भी देख सकते हैं, उसके बाद देखेंगे पेटीएम क्रेडिट कार्ड यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके आगे की कैटेगरी देखेंगे जैसे कि टिकट बुकिंग का है, सो टिकट बुकिंग में देखेंगे अगर आपको बस की टिकट बुक करना है, फ्लाइट की टिकट बुक करना है, ट्रेन की टिकट बुक करना है, मूवी की टिकट बुक करना है, जैसे कि फास्टैग के जो रिचार्ज उसके टिकट लेना है या फिर जो भी इवेंट के रहते हैं, उसके बाद मेट्रो के टिकट है, उसके बाद फास्टैग बाय करना है, सारी सारी सर्विसेस आपको मिल जाती है। इसके आगे देखेंगे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है जैसे कि ग्रो योर वेल्थ, मतलब अगर आपको स्टॉक्स एंड ईटीएफ, पेटीएम मनी है, पेटीएम स्टॉक्स है, पेटीएम गोल्ड है, इन सारी चीजों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखेंगे कैशबैक एंड डील्स की कैटेगरी है, जिसमें पेटीएम के कैशबैक से, उसके बाद आप देखेंगे आपको जो भी गिफ्ट कार्ड मिल चुका है पेटीएम के फर्स्ट मेंबरशिप से, उसके बाद वाउचर से, सो परचेस करने पर या फिर पेटीएम से पेमेंट करने पर आपको वाउचर या फिर जो भी कैशबैक मिलता है, तो इतने सारे गिफ्ट कार्ड, वाउचर्स या फिर जो भी कैशबैक आप आसानी से यहाँ से चेक करके देख सकते हैं, जो कि आपको अपफ्रंट, मतलब कि फोन पेज पे ही मिल जाते हैं। तो इस न्यू अपडेट के बाद आपका पेटीएम ऐप काफी स्मूथ एंड फास्ट हो चुका है, आपको फ्रेश यूजर इंटरफेस मिल जाते हैं, काफी सारे यूटिलिटीज, काफी सारे फीचर्स आपको अपफ्रंट होम पेज पे ऐड किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे लेटेस्ट न्यू चेंजेस एंड फीचर्स आपको पेटीएम में मिल चुके हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट के बाद मिल चुके हैं। वैसे दोस्तों अगर आपने पेटीएम को अपडेट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अपडेट कीजिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से पर विजिट करने के बाद आप अपने पेटीएम के एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी पेटीएम के न्यू अपडेट के इन्फॉर्मेशन एंड फीचर्स के बारे में बात करने वाला था। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।